अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई और अच्छी रेसिपी अच्छी वीडियो के साथ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि हम टमाटर का केचप कैसे बना सकते हैं, यानी कि टमाटो केचप। और ये केचप ऐसा केचप बनने वाला है जो आपने शायद ही कभी खाया हो, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें मार्केट से आपको उस तरह से नहीं मिल सकती जो आप खुद बना के, ओरिजिनल चीज़, 100% प्योर चीज़ आप बना के खा सकते हैं। जैसे आपको मक्खन मार्केट से ओरिजिनल नहीं मिल सकता, जिसको आप समझते हैं लेकिन फिर भी वो ओरिजिनल नहीं होता। दूध आपको मार्केट से ओरिजिनल नहीं मिल सकता। इसी तरह से बाकी जितने भी चीज़ें हैं, आपको पता है कि मार्केट में चाहे जितनी भी ओरिजिनल उसको कहा गया हो, फिर भी उसमें किसी ना किसी चीज़ की मिक्सिंग होती है, ओरिजिनल नहीं होता। तो ये जो आप केचप बनाना सीखेंगे, ये 100% प्योर और ओरिजिनल होगा, ठीक है? और आप खुद बना सकेंगे, क्योंकि कोरोना का ये जो टेन्योर है, इसमें आप बाहर नहीं जा सकते, केमिकल कहीं से नहीं खरीद सकते। घर में जो चीज़ें आप बना के सीख सकते हैं, उसका बाद में चाहे तो बिजनेस भी कर लें। ऐसे आइडियाज़ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि दे दूँ। तो ये टमाटो केचप भी एक ऐसा आइडिया है। अब टमाटर बहुत सस्ते हैं, हर बंदा जो भी वीडियो को देख रहा है, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो इसलिए इस वीडियो को शेयर करे कि ताकि सब लोगों तक ये एक आइडिया पहुँचे और हर घर में टमाटो का केचप बना के तैयार करके रख लिया जाए, ठीक है? जिस तरह से मैंने पहले टमाटो पाउडर की वीडियो बना के भेजी, इसी तरह से टमाटो केचप है, इसको बना के रखें, इसको यूज़ करेंगे आप पूरे साल तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, अब चलते हैं कि किस तरह से हम टमाटो केचप तैयार करेंगे, उस पूरी वीडियो की तरफ। वीडियो पूरी देखेंगे, आपको फ़ायदा होगा जी। सबसे पहले आप ये टमाटर ले लेंगे, इस तरह से आप किसी भी टोकरी में डाल के इनको रख लेंगे। टमाटर लेके, ये तकरीबन 1 किलो टमाटर हैं जो हमने लिए हैं। उसके बाद हम इनको अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि इनको अच्छी तरह से धो लिया जाए, ताकि इनके ऊपर अगर कोई चीज़ लगी हुई है तो वो साफ़ हो जाए मुकम्मल तौर पे। तो चलें जी, इनको धोना शुरू करते हैं जी। इस तरह से आपने मुकम्मल इनको सही तरह से धो लेना है। जब आप इनको अच्छी तरह से धो इनको अच्छी तरह से धो लें। अब इनको धो लिया, अब हम एक देगची ले लेंगे या कोई भी पतीला आपके घर में, वो आप ले लें। तो थोड़ा सा पानी इसमें आपने डालना है, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के और आप इसमें टमाटर काट के डाल देंगे। काटे जी जी ये आप टमाटर इस तरह से, एक टमाटर अगर बहुत बड़ा है तो उसके 3 पीस कर लें, अगर दरमियाना है तो आप उसके सिर्फ 2 पीस करके इस तरह से कर लेंगे। चाहे छोटा हो चाहे दरमियाना हो, आपने उसको काटना लाजमी है। काट के ये आप इस तरह से रख लेंगे, देगची के अंदर डाल लेंगे। ये टमाटर काट लिए हैं और देगची के अंदर डाल दिए हैं। अब आप इसको चूल्हे पे रख के और उबालना शुरू करेंगे, जिस तरह से हम बाकी चीज़ों को बॉयल करते हैं। यही काम आप ओवन पे भी कर सकते हैं, वो जल्दी हो जाता है। अगर ओवन नहीं है तो आप इस, अब ये बॉयल इसको कर लिया है, बॉयल करके इसको तैयार कर लिया है। इसको देखते हैं इसकी अभी क्या सूरत हाल है। ये बॉयल होके इस हालत में, ये आपके पास जो टमाटर थे जो आपने जिनको काट के बॉयल किया, वो इस हालत में अभी आ चुके हैं, यानी कि ये अच्छी तरह से गल चुके हैं मुकम्मल तौर पे। अब इनको हम करेंगे ब्लेंडर में डाल के, इनको अच्छी तरह से हम ग्राइंड करेंगे, जिस तरह से जूसेस वगैरह को हम करते हैं, इसी तरह से इनको भी हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। चलाओ जी, इसको ये ब्लेंडर में डाल दिया इसको। चलाओ जी, ब्लेंडर चलाओ इसको। दो से तीन दफा इसको आपने अच्छी तरह से चलाना।
खाओ जी, क्या सब तैयार है इसकी। ये अच्छी तरह से, इस तरह से आपने भी बारीक कर लेना है ये बहुत अच्छी तरह से इसको। उसके बाद आपने करना ये है कि इसको, ये जो आपने ग्राइंड किया है, इसको छालनी के ज़रिए या कोई बारीक इस तरह का मलबल का कपड़ा, उसके ज़रिए कपड़े में से, बल्कि ये नहीं गुजरेगा, इसी जो बारीक जाली वाली, उसके साथ आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। जो इसके बीज वगैरह या कोई और अगर कोई पार्टिकल मोटे इसके रह गए हैं जो सही तरह से अभी ग्राइंड नहीं हुए, वो इसके ऊपर रह जाएंगे, बाकी सारा नीचे चला जाएगा। इसको अच्छी तरह से करें। ये इस तरीके से जो इसके बीज वगैरह होंगे वो इसके ऊपर रह जाएंगे, या मोटे पार्टिकल जो इसके अंदर नहीं होने चाहिए, फाइबर टाइप जो इतने भी चीज़ होंगी, वो सारी इस तरह से ऊपर रह जाएगी। बाकी ये जो आपके पास, आपने इसको अच्छी तरह से छान लिया है, जो बारीक केचप की फार्म है, वो आपका नीचे इस तरह से आ जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये नोट फरमा लें अच्छी तरह से कि ये चार चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, वैसे तो देख रहे हैं, मैंने वाजे दिखा दी हैं कि ये आपके पास है लौंग, जिसको हम कहते हैं लौंग। आपने ले लेने हैं कोई 4-5 पीसेस, 1 किलो टमाटर में कोई 3 से 4 पीस डालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह से इलायची है, ये इलायची मैंने तो 5 पीस लिए हैं, यहाँ पे आप 2 पीस ले लेंगे काफ़ी है। इसी तरह से ये अदरक है, अदरक को आपने काट के इस तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से उसके पीसेस में काट लेना है, और ये भी कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि हमने जो टमाटर लिए हैं वो कम लिए हैं, तो ये भी 3 से 4 पीसेस काफ़ी हैं 1 किलो टमाटर के अंदर। ये हमारे पास दार चीनी है, ठीक है, ये भी इसी तरह से आपने 3-4 टुकड़े ले लेने हैं। और इनको करना ये है कि आपने एक कपड़े के अंदर इन सब को इकट्ठा करके बांध लेना है। कपड़ा दिखाओ जी, ये कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर इसको ले लें और एक इन सब को इकट्ठा करके, बांध दें इनको, इनको अच्छी तरह से बांध देना है। ये आपकी एक पटोपली टाइप तैयार हो गई है, जिसको सादा लफ्ज़ों में हम कहते हैं। तो ये आपने अब तैयार करके, अब ये जो हमने इसको छलने से छान के अलग किया है, जिस टमाटर के बाकी हिस्से को, वो हमने दोबारा से चूल्हे पे रख देना है, दोबारा से आग जलानी है। ये जो टोकली हमने तैयार की है, जिसमें सारी चीज़ें डाल के, अदरक और लौंग और दारचीनी वगैरह डाल के, वो और ये 1 चम्मच, 1 किलो में 1 चम्मच मैक्सिमम ये लाल मिर्च है, ये आपने डाल लेनी है, और 1.5 चम्मच तकरीबन आपने नमक डाल देना है, 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैक्सिमम जो है वो आपने जो सुरख मिर्च है वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। और इसको अब आपने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऑपरेट हो जाएगा, और इसके अंदर आप डाल देंगे, जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। इसके अंदर आपने, अगर आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट मीठा हो, अगर तो आप ये चाहते हैं कि ये नमकीन और मिर्च वाला ही आपका केचप तैयार हो, तो आप इसमें नहीं चीनी नहीं डालेंगे। अगर आप इसको मीठा केचप बनाना चाहते हैं, जैसा आपको अक्सर जगह पे जहाँ पे आप चाट वगैरह दही बल्ले वगैरह खाते हैं और वहाँ पे आपको केचप मिलता है मीठा केचप, तो उसमें आप चीनी डाल देंगे, तो ये चीनी तकरीबन 10 चम्मच आपकी चीनी है जो आपने 1 किलो के अंदर डालनी है, मैक्सिमम 10 चम्मच। सुरख मिर्च, ये नमक डाल दें आप, सुरख मिर्च भी डाल दें, सुरख मिर्च इसमें डाल दें, चलें अब इसको उबलने दें और इसको हिलाते रहें साथ साथ। उसके बाद आप इसमें चीनी डाल दें,
चीनी डाल कर फिर इसको अच्छी तरह से हिला दें। चीनी से ये गाढ़ा भी हो जाता है और मीठा भी हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। जो पटोकली हमने पटोकली जो बनाई थी वो दो इसी के अंदर डाल दी है, इसको खुला हमने नहीं डालना था। इसके अंदर से इसका अर्क बन के इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, जो कि इसमें अच्छी खुशबू का भी काम करेगा और जो इसके अंदर चीज़ें डाली है उसका अपना फ़ायदा भी है, तो वो इसके साथ मिक्स होके एक अच्छा फ़ायदा देगा, एक अच्छा जायका देगा केचप का। ये अब तैयार हो गया है, इस ये उबल के तैयार हो गया, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो रिमूव हो गया, सारा एवेपोरेट हो गया। अब इसमें से ये जो कोथली आपको नज़र आ रही है, इस पोटली को आप निकाल देंगे इसमें से, और उसके बाद ये हमारे पास है वाइट सिरका जिसको हम कहते हैं विनेगर। ये सिरका इसमें आप 2 चम्मच डाल देंगे, 2 चम्मच सिरका डाल के इसमें और अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे, और उसके बाद आप इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये आपका बेहतरीन किस्म का केचप तैयार हो जाएगा। चलें जी, इसमें ये कोथली को निकाल लेना इस तरह से। डालें इसमें अब सिरका डालें। सिरका डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अभी आपका बेहतरीन किस्म का केचप तैयार है, ये मज़ीद ठंडा होके गाढ़ा हो जाएगा और बेहतरीन किस्म का केचप ये आपका तैयार है। इसमें आपने ये आपका बेहतरीन किस्म का केचप तैयार हो चुका है। अब आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये 6-7 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकें, तो आप इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ कर लेंगे कोई। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म का जैसा केचप होता है वैसा केचप तैयार है। तो अभी और मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ी देर और गुजरेगी, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये मज़ीद गाढ़ा होता चला जाएगा। तो आप इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे सोडियम बेंजोएट, जो कि फूड प्रिजर्वेटिव होता है। तो फूड प्रिजर्वेटिव इसमें आप डाल देंगे तो ये 6 से 7 महीने आपका कहीं नहीं जाता, इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का आपके इस्तेमाल के काबिल है। अगर फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट अभी आपको नहीं भी मिलता, आप इसको इसी हालत में फ्रिज में रख लें। ये फ्रिज में भी कम अज़ कम भी 1 से 1.5 महीने बिल्कुल इसको कुछ नहीं होगा, आप इसको आराम से घर में यूज़ कर सकते हैं। जो लोग इस पर बिज़नेस करना चाहते हैं वो इसको बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं, टमाटर इंतहाई सस्ते हैं, आप उनको लें और इस तरीके से केचप बनाएं और इसका बिज़नेस स्टार्ट करें। शुक्रिया।